Yeah, Chandan Kumar, thanks for giving your time to interact with you. You attended BPSC assistant professor interview recently for electrical and electronic engineering, right? Yes. Yeah. Can you share your experience with us? Yes. Electrical engineering. Yes. Can you share your experience with us? Okay. So in my first this जब मैं मतलब इंटर किया था तो इंटर करने के बाद उस समय उन्होंने मैं जैसे अनुमति लिया तो क्या मैं आ सकता हूँ अंदर, तो मैं तो ठीक है आइए आप। तो आने के बाद सर उन्होंने मतलब सीट बैठने के लिए बोले, तो मैं बैठा। जो डायरेक्टर सर थे, जैसे बैठने के बाद उन्होंने मुझसे मतलब पहला क्वेश्चन किया कि आप पीएचडी कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा सर नहीं सर, पीएचडी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर क्रॉस किया कि क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने बताया कि सर मैं पिछले एक साल से अभी मैं प्रिपरेशन में लगा था, इससे पहले मैं सर जॉब कर रहा था 3 साल जॉब की। फिर क्या? तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आपको तो इतना दिन में मौका नहीं मिला कहीं काम करने का? तो सर मैं बताया उनको कि सर मौका मिला मुझे काम करने का, बट मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं काम ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इतना ही मेरे बीपीएससी का एग्जाम आ गया तो मैं इसमें लगा एग्जाम। तो उन्होंने फिर बोला कि चलिए इतना दिन से आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पड़ोसी ताना नहीं मारते हैं ये सुन करके कि भाई इंजीनियर बाबू थे इतना दिन से जॉब कर रहे थे अभी घर बैठे हैं? तो मैं उनको बताया सर ऐसा ऐसा कि ताना तो हर कोई हर हमेशा किसी से खुश नहीं होता है, तो कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है। तो मैं उस तरह से मैं बात किया उनसे। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप बीटेक किए हैं? सर बीटेक किया हूँ। तो अच्छा अच्छा बीटेक में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं? तो मैं कैसे एग्जैक्ट याद तो नहीं है कितना सब्जेक्ट, फिर भी बोले कि नहीं एक अप्रॉक्स बताइए आप कितना मतलब। मैं अप्रॉक्स में 40 से 45 के लम्स में बताया कि अच्छा 40 45 पढ़े। तो बोले कि अच्छा तो इतना सब्जेक्ट का नॉलेज होगा फिर आपको, 40 45 सब्जेक्ट का तो आपने अच्छा कर दिया है। तो मैं उनके बोले जी सर सारे तो याद तो नहीं रहता है लेकिन बट कुछ कोशिश करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 10 सब्जेक्ट का नाम बताइए एक फ्लो में, बीटेक में आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं एक फ्लो में बिना रुके हुए एकदम। मैं काउंट कर रहा हूँ, उन्होंने उंगली उठाया एक एक सब्जेक्ट काउंट करना शुरू कर दिए कि 10 आपने बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ठीक है फिर आगे प्रोसीड। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं ये सब लड़के। मैं भी घबरा गया कि मैं ये क्या सब्जेक्ट पूछते। तो मैं उनको बोला गया इसमें घबरा क्यों रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ पर इंटरव्यू का प्रेशर है ये सर। इस तरह से मैं घबरा गया। तो फिर कोई आप भी आपसे कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे हैं? तो बोला मैंने नहीं सर ऐसा नहीं कोई किसी ने नहीं पूछा है। तो फिर उन्होंने रिलैक्स किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपको, मैं वैसे जाने छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं आराम से होइए। पैनल में कितने मेंबर्स थे? पैनल में 7 मेंबर्स थे। 7 सात ओके जी जनरली देयर यूज्ड टू बी 6 मेनी कैंडिडेट्स टोल्ड दैट देयर आर 6 मेंबर्स इन पैनल फॉर यू देयर आर 7 सिक्स सेवन टू दिस इज वेरी फॉर ओके ओके एक दूसरे पैनल में सर होते हैं ऐसे इस तरह के वेरी करते रहते हैं। ओके एक डायरेक्टर उसमें होते हैं, बाकी दोनों साइड से जो होता है तीन तीन मेंबर्स होते हैं और बीच में सारे टेबल पे शीशे लगे होते हैं ओके तो उन्होंने शीशे से कवर करके किया। तो फिर उन्होंने जो है पास कर दिए बगल वाले फैकल्टी को, बोले कि आप पूछिए क्वेश्चन इनसे क्या गुण? तो उन्होंने मेरा पहला क्वेश्चन ये किया कि व्हाट इज जेड बस एंड वाई बस फ्रॉम पावर सिस्टम क्या जेड बस होता है? वाई बस जी 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 जैसे मैं उनको ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में बताया ना कि मैं काम किया हूँ उसी में, तो उन्होंने मेरा से पहले क्वेश्चन यही किया था जेड बस क्या होता है और वाई बस मैट्रिक्स क्या होता है। ओके तो मैं उनको बताया, तो जैसे मैं बताया कि इसके कैलकुलेशन के लिए यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? तो उन्होंने उसका जवाब देने के बाद सर उसका यूज क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे जेड बस यूज करते हैं कहाँ पर वाई बस कैलकुलेशन यूज करते हैं। तो फिर इसको बताने के बाद बताया कैलकुलेशन कैसे करते, तो इन्होंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया उनसे अच्छा लोड फ्लो जैसी बात आया था, तो फिर उन्होंने पूछा हमसे कि अच्छा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच क्या होता है? ओके तो सेकंड क्वेश्चन ये आया था इकोनॉमिक लोड डिस्पैच क्या होता है ये क्यों करते हैं? ओके तो उसका जवाब देने के बाद सर जी जी तो फिर उसके बाद मैं उनसे पूछा कि ट्रांसमिशन लाइन में आपने ट्रांसमिशन लाइन में काम किए तो प्रोटेक्शन क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का, ओके तो ट्रांसमिशन लाइन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप? तो वो बताइए आप डिस्टेंस रिले के बारे में। मैं उसके डिस्टेंस रिले बताने शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने जैसे बताया कि डिस्टेंस रिले थ्री टाइप्स के होते हैं, तो उन्होंने इसमें से एक टाइप के बोले
आप डिस्क्राइब करो डेटा को, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने दूसरे फैकल्टी को पास कर दिया कि आप पूछिए। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे कहा कि अच्छा आप सब स्टेशन भी डिजाइन किए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, सब स्टेशन में डिजाइन नहीं किया हूँ, ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन करवाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अभी तक मैक्सिमम इंडिया में कितने वोल्टेज तक, हाई लेवल वोल्टेज तक ट्रांसमिशन हाईएस्ट हो रहा है? वोल्टेज लेवल इन इंडिया। तो बताया जैसे जी, हाईएस्ट वोल्टेज लेवल इन इंडिया। तो मैं बताया उनको 1200 के लिए। तो उन्होंने मतलब स्टक करना शुरू कर दिया बार बार हमको, क्योंकि मोटिवेट इस तरह से वो नहीं, हम तो आज तक जो है 760 सुने हैं, तुम कैसे बता रहे हो कि, तो इस तरह से गुस्सा ऐसे लग रहा था मुझे, गुस्सा से बोल रहे हैं कि अभी तक हमने 765 भी सुने हैं, तुम कैसे बता रहे हो 1200? सर ने मैं 100% श्योर हूँ कि 1200 के भी है, बट मुझे ये लाइन का ना याद था, बट अभी मैं मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है कहाँ पर लाइन बना हुआ है, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम ये हो रहा है जैसे। तो बाद में मैंने नेट पे सर्च किया, जाने के बाद तो एक लाइन थी वर्धा से औरंगाबाद के बीच, जिन्होंने पावर ग्रिड का कंस्ट्रक्शन, तो फिर उन्होंने 2-3 बार मैं उस पर रिपीट किया, और वो भी तब जाकर के उन्होंने मुझे वो क्वेश्चन को छोड़े। सबसे ज्यादा अभी तक मैं इंटरव्यू में देखा, मुझे इसी में रिपीटेशन ज्यादा हुआ, इसी क्वेश्चन के में रिपीटेशन ज्यादा कर रहे थे वो बार बार कि नहीं ऐसा ही हमने हमने तो ये सुना है, ऐसे कैसे बोल रहे। तो फिर उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा कि व्हाट इज ग्रिड। मैं थोड़ा देर के लिए शॉक हो गया, ग्रिड किस बेसिस में बताऊं इनको, ग्रिड क्या हो? हमने देखा कि पावर ग्रिड में इस तरह से वोल्टेज लेवल पर, मैंने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन किया कि सर मैं वोल्टेज लेवल पे बात करूं या किस टाइप की बात है? मुझे एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें वे में जवाब दूंगा आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप इंटरनेशनल ग्रिड जैसे होते हैं ना, रीजनल ग्रिड होते हैं और कैसे इंटरनेशनल ग्रिड होते हैं, इस बेसिस पे आप समझाइए। तो फिर उसके बाद में बताया कि इंडिया में इतने इतने रीजन में डिवाइड किया गया। तो फिर आगे क्वेश्चन फिर कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे के बाद बताइए कि, फिर उन्होंने भी क्वेश्चन शुरू कर दिया कि ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करें। एक तो पहले फैकल्टी, दूसरा पहले पूछ चुके थे डिस्टेंस प्रोटेक्शन, फिर उन्होंने भी रिपीट किया ये क्वेश्चन कि आप कैसे ट्रांसमिशन लाइन को, उन्होंने बस सिर्फ वे बदला था पूछने का। उन्होंने वो सिर्फ पहला पहले फैकल्टी ने सिर्फ डिस्टेंस प्रोटेक्शन बोला था, इन्होंने वे बदल के पूछा कि आप ट्रांसमिशन लाइन कैसे प्रोटेक्ट, उसमें क्या क्या यूज होगा, कैसे कैसे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या रिले यूज होगा, तो आप रिले का भी नाम बताइए सर। और तब जाकर के फिर उन्होंने फिर तीसरे फैकल्टी को पास कर दिए सारे क्वेश्चन पूछने के बाद। फिर एक फैकल्टी थे, तो उन्होंने पूछा कि हमको जो 3 पिन सॉकेट होता है, आपने देखा होगा घर में 3 पिन सॉकेट होता है, उसमें 3 पिन सॉकेट में आप एक देखते होंगे एक पॉइंट जो होता है, वो पॉइंट जो है मोटा क्यों होता है? हम बस इसी वे में पूछ रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ उनका पूछने का वे भी इसी तरह से था। ऐसा कोई नहीं कि मुझे इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैं भी हिंदी में बोल रहा था और वो भी वो भी मुझे हिंदी में। हिंदी में ही बात, हाँ हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो मुझे अच्छे देखते हैं कि वो मोटा होता है, अच्छा मोटा क्यों होता है? तो मैं बताया कि उनको किस तरह से इस वजह से होता है मोटा। अच्छा तो जैसे बात तो बताया अर्थिंग की बात आई, तो अर्थिंग में पूछे गए एक अर्थिंग होता है ग्राउंडिंग होता है, तो ग्राउंडिंग क्या समझते हैं और अर्थिंग से क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं बताया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है, ये अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है? तो मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट में क्योंकि कितना होता है, मैं उनको मना कर दिया कि सर मुझे आई हैव नॉट रिमेम्बर। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर तब जा करके उन्होंने पूछा कि एक बार आप देखे होंगे सीटी, देखे होंगे आप सीटी, देखे हैं तो सीटी का जो सेकेंडरी और प्राइमरी साइड होता है, तो किस साइड टर्न्स ज्यादा होते हैं, प्राइमरी साइड टर्न्स ज्यादा होते हैं कि सेकेंडरी साइड टर्न्स ज्यादा? तो मैं जैसे ही बताया उनको सेकेंडरी साइड सर टर्न्स ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने जो है फिर वो क्वेश्चन किया कि अच्छा एक बात बताइए आपने सिटी का देखा होगा कि सेकेंडरी साइड को हम ओपन रखते हैं कि शॉर्ट रखते हैं, ये बताइए। तो जैसे मैं कहा कि नहीं सर शॉर्ट करके रखते हैं उसको। अच्छा क्यों रखते हैं शॉर्ट, शॉर्ट वर्क करने की क्या रीजन है, आप रीजन उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं उनको बताया सेकेंडरी का क्यों मतलब ऐसा करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उधर से जो है, जो हमारे डायरेक्टर साहब उसमें थे, तो डायरेक्टर साहब मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया कि ठीक है क्वेश्चन केवल पूछते रहेंगे या बोर्ड पे भी भेजेंगे इनको? तो उन्होंने बोर्ड पे भेज दिया, ठीक है अरे केवल पूछते मत रहिए, बोर्ड पे भी भेजिए इनको।
जब वही मैं देखा, जैसे सिटी की बात हो रही थी तो फैकल्टी ने उठा, अब से जाइए बोर्ड पे और सीटी पीटी का डायग्राम बनाइए, लाइन से कनेक्ट करके और एनर्जी मीटर में कनेक्ट करके हमको दिखाइए कैसे होता है। मैं स्टक हो गया अचानक से, मैं क्या, वही बीच में जो क्वेश्चन चल रहा था वहीं पर उन्होंने टोका था, तो सीटी की बात चल रही थी, सीटी से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिए। मैं उसका प्रैक्टिस करके तो नहीं गया था, मैं डायग्राम भी नहीं देखा था, पूरा एकदम हो गया। चलिए सीटी और पीटी तो बना दूंगा, लेकिन एनर्जी मीटर का कनेक्शन 3 फेज इन्होंने दे दिया था, सिंगल फेज का रहता है तो मैं कर लेता था आसानी से, लेकिन बस इन्होंने 3 फेज का, तो मैं बना तो रहा था, लेकिन क्या है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा था उस समय एनर्जी मीटर बनाने में। एक समय तो मैं कहा सर नहीं, सीटी पीटी मुझे याद ध्यान है, बट ये इसका जो है कनेक्शन मुझे पता नहीं है सर किस तरह का मैं कनेक्ट करूँ। तो फिर उन्होंने उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पूछने से अच्छा बर्डन ऑफ सिटी क्या होता है, सिटी का बर्डन, हाँ मैं इसके बारे में बताइए सिटी का बर्डन क्या होता है, तो मैं वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा सब स्टेशन में आपने सिटी देखा होगा और कहीं कहीं कहाँ भी यूज होता है सिविल स्टेशन के अलावा, सब स्टेशन के अलावा भी सिटी यूज होता है क्या? तो उसके बाद सिटी का डिफरेंट टाइप्स को पता है क्या? तो क्या मैं सब ध्यान था मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कि मैं सिटी के कितने टाइप्स के कौन कौन से, एक मैं इंस्ट्रूमेंटल सिटी देखा हूँ और प्रोटेक्शन, मैं सिर्फ दो ही बात मैं बता पाया उनको कि एक इंस्ट्रूमेंट सिटी होता है प्रोटेक्शन टाइप्स होता है, बट और के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, एनर्जी अब घर में जो देखते होंगे एनर्जी मीटर जो है और उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें कैसे रीडिंग मतलब जो है आप लेते हैं चेकिंग करते हैं, उसमें क्या क्या रीडिंग आता है उसके बारे में बताइए रीडिंग के बारे में। तो फिर उसको डिफाइन करने के बाद सर फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि अभी, फिर उन्होंने दूसरे फैकल्टी को पास कर दिया, उनको हो गया क्वेश्चन अच्छा, फिर दूसरा फैकल्टी को पास किया। तो उन्होंने फैकल्टी ने पूछा कि जो आज के डेट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है, क्या सारे सब स्टेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज हो रहे हैं क्या? तो मैं कहा नहीं, वो सर पुराने डेज में होते थे बट अभी भी टोटली रिप्लेस नहीं हो पाया है सभी स्टेशन में, तो अभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मैक्सिमम डिले यूज हो रहा है। तो इसके बाद वो जवाब देने के बाद उन्होंने पूछा कि बस बार क्या होता है बताइए, तो बस बार कंप्लीट किया कि बस बार क्या होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे फैकल्टी को पास कर दिया, ठीक। तो एक फैकल्टी को पास किए तो उन्होंने पूछा कि और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है इसके अलावा, तो मैं बताया कि सर ट्रांसमिशन, ये पावर सिस्टम, तो क्या पावर सिस्टम तो सारा क्वेश्चन हो ही गया, और बताइए पावर सिस्टम के अलावा क्या क्या पढ़ा है। मैं बोला कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क, तो कंट्रोल से उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया, नेटवर्क से बोला कि अब बताइए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। तो उनको मैं बताया अच्छा इस तरह से मत बताइए आप, हम स्टूडेंट हैं, आपके एक स्टूडेंट हैं, आप मुझे समझाइए अच्छा से कि मैं कैसे समझ जाऊंगा कि बिल्कुल हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं बताया कंडीशन था जैसे उस तरह से, तो एफिशिएंसी की जैसे बात आया तो मैं जैसे बताया उनको 50%, तो ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी 50% ही क्यों होता है, तो उसको बताया कि कंडीशन ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का होता है कि आर एस और आर टी एस जो होता है इक्वल होता है, जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो तो ड्रॉप होगा, इक्वल ड्रॉप हो जाएगा, तो इस वजह से। तो उन्होंने फिर उसी जगह से क्वेश्चन किए कैसे ये बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर पर ट्रांसफर थ्योरम यूज करते हैं क्या? तो मैं नहीं सर, ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर थ्योरम का अगर कंसेप्ट यूज करेंगे तो एफिशिएंसी अगर लो हो जाएगा तो फिर ट्रांसमिशन करने की मतलब कोई पर्पस नहीं रहेगा, मैं जो उनको बोला उस समय मेरे माइंड में जो आया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी के बारे में मुझे आइडिया नहीं सर एग्जैक्ट में कितना होता है, मैं बता नहीं पाया उस समय ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इतने सारे सवाल एचआर कोई एचआर क्वेश्चन पूछे? एनी एचआर क्वेश्चन? का क्वेश्चन नहीं, नहीं सर नो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग स्टार्ट में सर ऑफ जो टेक्निकल, भी क्वेश्चन, नो 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 सर कंप्लीटली टेक्निकल। टेक्निकल कंप्लीटली टेक्निकल, सारे जितने भी मेंबर्स थे सभी मेंबर्स ने सारे क्वेश्चन जिनका क्वेश्चन की पूछे सभी लोग, आपसे। हाँ इतने सभी लोग ये नहीं कि ये जितने भी मेंबर्स थे सारे मेंबर्स। उसके बाद फिर बोले कि बोर्ड को रब कर दीजिए और चलिए आप। सो आपका इंटरव्यू कितने मिनट्स का था?
20 मिनट्स और अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के अप्रोक्सीमेटली, 10 to 15 मिनट्स. ओके सो जी जी सर, आई थिंक मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट द इंटरव्यू इज फॉर 10 to 15 मिनट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट राइट. जी जी सर, जी जी सर, ओके ओके, 10 to 15 मिनट मैक्सिमम. ऑल द बेस्ट चंदन, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग विद अस, थैंक यू.